हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे बेसिक स्टडी एंड ऑल नॉलेज ट्रिक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हमेशा की तरह कुछ नया ट्रिक्स लेकर आते रहते हैं, कुछ नया चीज़ लेकर आते रहते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उस हमारे वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए, हम आपको को बताने वाले हैं कि आप अपने वोटर आईडी में जो आपका मोबाइल नंबर पहले से लिंक है या आधार ईमेल आईडी, उसको आप कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि हमें असली वाला वोटर आईडी डाउनलोड करने के लिए आपका मोबाइल नंबर जुड़ा रहना चाहिए, जिससे ओटीपी जाएगा तभी आप वोटर आईडी को आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके आप उसे ओरिजिनल बनवा सकते हैं। तो उसके लिए कैसे चेंज करेंगे हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो आप कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे और उसमें NVSP सर्च करेंगे, NVSP.in। तो आपको जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज आ जाएगा। तो अगर आपका इस पर अकाउंट नहीं बना है तो आप इस पर अपना अकाउंट बना लीजिएगा। हमारा अकाउंट बना है पहले से, तो हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपका अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा, उसके बाद कैप्चा कोड डालना होगा। तो हम कैप्चा कोड डाल दे रहे हैं, फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन हो जाने के बाद हमें मोबाइल नंबर चेंज करना है, जिससे मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा तो हम अपना वोटर आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अपना वोटर आईडी फॉर्म भरते हैं तो वोटर आईडी हमारा मिलता नहीं, जल्दी आ नहीं पाता है, तो उसके लिए हमको खुद से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए दिया है करेक्शन इन पर्सनल डिटेल्स। तो मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए हमें पर्सनल डिटेल्स में जाना होगा, और ये जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे अगर खुद का चेंज करना है मोबाइल नंबर या ऐड करना है ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, तो सेल्फ पर क्लिक करेंगे। अगर किसी फैमिली का है, किसी अदर का चेंज करना है तो फैमिली पर क्लिक करेंगे। हमें फैमिली का चेंज करना है तो यहाँ पर वोटर आईडी अगर नंबर है तो वोटर आईडी नंबर डालेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म 8 ओपन होके आ जाएगा। ये फॉर्म 8 है, मतलब प्रारूप 1, इसमें संशोधन से रिलेटेड होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना होता है, और डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपको अपना विधानसभा चूज करना पड़ता है, आपका विधानसभा जहाँ पड़ता होगा, और यहाँ पे हिंदी में नाम लिखना होता है। तो इस पर बस क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक वो हिंदी में आ जाएगा। उसमें क्लिक करके बाहर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा। पहले इंग्लिश वाले में क्लिक करेंगे, फिर इस पर, फिर उस बाहर जब आएंगे तो ऑटोमेटिक लिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है कृपया सही की जाने वाली प्रविष्टि पर निशान लगाएं। तो हमें क्या चेंज करना है उस पर हम सेलेक्ट करेंगे। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमें केवल ऐड करना है, तो उसके लिए हमें इस वाले पर चेक करना होगा, लिंग पुरुष स्त्री या अन्य, इस पर हम क्लिक चेक करेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें लिंग का ऑप्शन आ गया, इस पर हम चेंज करेंगे। जिसका ये वोटर आईडी आप चेंज कर रहे हैं वो मेल है कि फीमेल, तो वो हम सिलेक्ट करेंगे। फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, जो हमें मोबाइल नंबर अपने वोटर आईडी में डालना है तो हम वही मोबाइल नंबर डालेंगे, और ईमेल आईडी डालेंगे। ओ सॉरी, हम ईमेल आईडी में मोबाइल नंबर डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर डालकर वेरीफाई करना होता है, तो हम अपना इसमें ईमेल आईडी डाल दे रहे हैं और मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद स्थान में हम जिस स्थान से ये चेंज कर रहे हैं उस स्थान का नाम डालना होगा, तो हम उस स्थान का नाम डाल दे रहे हैं, और ये तारीख ऑटोमेटिक आ जाता है जिस तारीख को आप संशोधन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डालना होता है, और हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही ये आपका फॉर्म सेव हो जाएगा और आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। यह है रेफरेंस नंबर, जिसके द्वारा आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, अपने स्टेटस देख सकते हैं कि आपका फॉर्म संशोधन हो गया है या मोबाइल नंबर ऐड हो गया है कि नहीं। तो आप इसके द्वारा अपना स्टेटस चेक करते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टेटस चेक करने के लिए भी आपको ये रेफरेंस नंबर का जरूरत पड़ता है। ये रेफरेंस नंबर यहाँ से सब कॉपी कर लेंगे या इसको कहीं नोट करके रख लेंगे। नोट करके रखने के बाद आप
या डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं, नहीं तो फिर होम पर आएंगे। होम पर आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन स्टेटस जानने के लिए यहाँ पे रेफरेंस आईडी मांगेगा, तो जो हम बोले थे उस आईडी को नोट करके रख लीजिए, वही यहाँ पर डालना होगा, और ट्रैक स्टेटस।